दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग में जो डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट निकलने वाली थी उसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज यहां पर रिलीज़ कर दिया गया है। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पूरा डिटेल में बात करेंगे कि कब से इसके लिए आपको आवेदन करना है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, इसके लिए क्या एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, कैसा कैसा इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। कितने सारे पोस्ट निकाले गए हैं, ठीक है, तो जानने के लिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा वीडियो के साथ। और छत्तीसगढ़ की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए भर्ती परीक्षाओं की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले यहाँ पर दिखा दूँ आपको मैं कि यहाँ पे जो फॉर्म भरने की जो तिथि है वो आपका 29 सितंबर 2021 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, 12 बजे के बाद से, ठीक है, ये शुरू हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जो पद हैं वो अलग अलग जोन वाइज निकाले गए हैं, जिसमें बता दूँ आपको मैं कि यहाँ पर पहले देख लें जो बैकलॉग, यहाँ जो पद पहले बचे हुए हैं बैकलॉग के, ठीक है, अनारक्षित के 24 पद, और यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी मिलाकर के टोटल 50 पद यहाँ पर बैकलॉग के बचे हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जगदलपुर वाले जोन में कितने यहाँ पर पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो है 68 पद हैं, आप उसका कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर दिखा हुआ है। ठीक है, और अंबिकापुर के लिए देखा जाए अंबिकापुर वाले रीजन में तो 44 पद हैं, और अगर देखा जाए जो सेंट्रल रीजन हमारा आता है रायपुर बिलासपुर रायगढ़ दुर्ग वाले में, तो यहाँ पर 238 पद, सबसे ज़्यादा पद यहीं पर जो है भरे जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो है पदों का पूरा अपने व्याख्या देख लिया। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी होंगे वही इसके लिए जो है आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहेंगे। और यहाँ पर लिखा गया है कि जो बस्तर संभाग है, ठीक है, तो वो जो वहाँ के ज़िले के जो लोग होंगे, ठीक है, वो वहीं के ज़िले के लोग ही वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, जगदलपुर क्षेत्र में, और जो अंबिकापुर क्षेत्र रहेगा, ठीक है, वहाँ पर अंबिकापुर जो सरगुजा संभाग है, ठीक है, वहाँ के निवासी लोग ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और जो हमारा रायपुर बिलासपुर दुर्ग वाला जो हमारा जोन है, ठीक है, तो यहाँ के आवेदन करने के लिए आपको यहाँ का ही मूल निवासी होना ज़रूरी है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर इसका आवंटन किया गया है। और इसके लिए देखा जाए तो इसमें जो आपका यहाँ पर जो दायित्व क्या रहेगा आपका, वो लिखा गया है कि आपको कंप्यूटर से संबंधित कार्य करने होंगे। बात करते हैं पर वेतनमान की, तो आपका जो वेतन रहेगा वो आपका 19,800 से 62,600 रुपये के बीच में रहेगा। ठीक है, इसमें भी आपका नियम लागू होगा जिसमें कि प्रथम वर्ष में आपको अपने वेतन का 70%, उसके बाद 80%, फिर 90% मिलेगा, फिर जब उसके बाद आपको पूर्ण वेतन भी दिया जाएगा। आयु सीमा की बात की जाए जो कि आपकी 1 जनवरी 2021 से काउंट की जाएगी, तो मिनिमम 18 वर्ष रखी गई है। अधिकतम आयु जो है जनरल वालों के लिए 40, ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 45 वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी के लिए 45 वर्ग यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो इस पद के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसमें जो है आपका स्नातक यानी कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपका 1 साल का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और साथ में आपको इसमें एक आपको जो स्पीड टेस्ट देना होगा टाइपिंग का, जो आप अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तब उसके बाद ये होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कंप्यूटर का जो डिग्री मंगा गया है, तो उसके साथ साथ बता दूँ आपको मैं कि अगर आपने जैसे बीटेक यदि आपने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, आईटी ब्रांच में किया हुआ है, या फिर बीएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, तो या बीसीए किया हुआ है, तो इसमें जो है आपको अलग से कोई डिग्री आपको नहीं देनी होगी कंप्यूटर के रिगार्डिंग में। ठीक है, या फिर अगर आपने जैसे कि आईटीआई कोपा किया होगा, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर मान्य रहेगा, या कि आपने डीसीए किया है, पीजीडीसीए किया है, ठीक है, तो सारा कुछ कोर्स यहाँ पर जो है मान्य रहेगा। ठीक है, आरक्षण जैसा मिलता है आपको वैसे ही इसमें भी मिलेगा आपको, सारा जैसे छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक, और यहाँ पर देख लेते हैं कुछ यहाँ अगर कुछ बात लिखी हुई है। आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, इसकी ऑफिशियल साइट csvc.co.in पर जा करके आपको वहाँ पर से आवेदन करना होगा। आवेदन शुल्क जनरल वाले और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 700 रुपये रखा गया है, और अनुसूचित जाति जनजाति के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 500 रुपये का उनको चलानी होगा, जो है 500 रुपये का उनको अमाउंट पे करना होगा। ठीक है, पेमेंट करने के लिए आप UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और
फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 28 अक्टूबर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस डेट से पहले आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा आपके जो है 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। एक प्रश्न आपका एक नंबर का रहेगा, इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगी वो आपकी 1/4 होगी, मतलब 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग की जाएगी, ठीक है। और जो आपका सिलेबस रहेगा किस प्रकार का रहेगा देख लीजिए। सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 25 नंबर के। कंप्यूटर, सामान्य कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, ठीक है। यहाँ पर जो आपका मानसिक योग्यता रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे 15। सामान्य गणित आपका आएगा 15 नंबर का। हिंदी व्याकरण और इंग्लिश, ठीक है, 20 और 10 नंबर की। इस प्रकार आपका टोटल जो है वो आपका 100 नंबर का आपका जो रहेगा पेपर रहेगा, ठीक है। तो ये सिलेबस आपका हो गया। इसमें भी वही आपके लिए जो मापदंड रहेगा कि जो जनरल और ओबीसी वाले कैटेगरी के लोग हैं उनको यहाँ पर मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी रहेगा, और एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों को 30% मिनिमम मार्क्स आपको अपने जो कंप्यूटर टेस्ट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है यदि आप इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में बता दूं आपको, मैं 5 गुना संख्या में यहाँ पर लोगों को बुलाया जाएगा, यानी कि एक पद के पीछे 5 लोगों को, यानी कि 100 पोस्ट अगर होगी तो 500 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका 50 नंबर का आपका जो रहेगा टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश की जो है आपको टाइप कराया जाएगा, ठीक है। इसमें भी आपको 30 नंबर पाना आपको अनिवार्य रहेगा। इसका डिस्क्रिप्शन पर मैं लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से इसको आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती होगी तो आप इस दिए गए समय में इस नंबर पे आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट होगा तो यहाँ पर कमेंट कर पूछ सकते हैं। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं से संबंधित जानकारी पाने के लिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।